नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, एमपीपीएससी ने अभी अभी असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम 2021 का जो था उसके परिणाम घोषित कर दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी वही 87 और 13% वाला फॉर्मूला लगाया है और रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो देखते हैं इसमें और डिटेल में क्या दिया गया और कितने लोगों को उन्होंने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करवाया और मैं आपका इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर कोर्स। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ में कोई डाउट लगता है दोस्तों तो हम जो फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अपने। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर भी अपने डाउट भेज सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रबंधक, जी हाँ, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण वाला जो था, है ना, उसका जो एग्जाम मार्च में हुआ था, 6 मार्च को इसका एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आज घोषित किया है 13/10 को, है ना। अब इसमें क्या है टोटल आपको बता दूं, टोटल इसमें 63 पद थे। कितने पद थे टोटल? 63 पद थे, 63 पोस्ट थी टोटल, है ना, जिसमें आप देख रहे हैं 17 UR की थी, 10 SC की थी, 13 ST की थी, OBC की 17 थी और EWS की 6 थी, और 4 जो थे वो दिव्यांग जन थे, है ना। तो इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। अब रिजल्ट में वही चीज कही गई है जो पीएससी 2019 के रिजल्ट में की गई है कि भाई 27% जो मान्य करते हुए 14% को मुख्य भाग में और 13% को दूसरे भाग में रखा गया है। मतलब रिजल्ट दो प्रकार से दिए गए, ए और बी के हिसाब से यहाँ पर भी दिया गया है ना। सेम यहाँ पर वही चीज है कि 14% पदों को अन्य वर्गो हेतु पदों में जोड़कर कुल जो विज्ञप्ति का 87% पदों को मुख्य भाग में, जिसको फाइनली ज्वाइनिंग वाइनिंग सब मिल जाएगी 87% की, जो 13% वाले जो रहेंगे वो किसके फैसले पे बैठे रहेंगे भाई साहब, वो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। कुल मिला के वही चीज जो मैंने आपको पीएससी 2019 के लिए बताया कि बंद लिफाफे में 13% वालों का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब डिसीजन कोई भी हो, चाहे ओबीसी का होता तो ओबीसी के छात्रों को बेनिफिट मिलेगा और जनरल का होगा यानी यूआर का होगा तो फिर अनरक्षित वालों को बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो वो 13% वालों का 87% पे आपका फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ये देखिए वही लाइन लिखी गई है कि मुख्य भाग 87 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जबकि जो 13% वाले हैं, है ना, उनका अलग अलग लिफाफे में रखा जाएगा और हाई कोर्ट का जो निर्णय रहेगा उसके हिसाब से लिफाफों का चयन किया जाएगा और खोल के फिर नियुक्ति दी जाएगी, है ना। तो ये चीज यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा ये चीजें हैं इसमें, और मैं आपको बता दूं टोटल कितने हैं। टोटल 3 गुना प्लस सामान्य अंकों को बुलाया गया है यहाँ पर, है ना। तो 88 लोगों को भाग ए में रखा गया है ना। टोटल 88 लोगों को भाग ए में रखा गया है। यूआर के 28 है, ओबीसी के 27, 17 कैंडिडेट एससी के, 11 कैंडिडेट एसटी के और 5 ईडब्ल्यूएस के, टोटल 88। इसके अलावा ये 88 के रोल नंबर्स हैं, तो आप अगर इसमें से हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। के साथ साथ 3 जो लोग हैं ओबीसी के, है ना, क्योंकि जनरल का यहाँ पर वो रखा गया है, 3 लोग जो हैं ओबीसी के उसमें रखे गए हैं बेसिकली यहाँ पर, है ना। जनरल का यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं है, है ना। 3 कैंडिडेट्स हैं बी के डिग्री में जो कि किसके हैं, ओबीसी के हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। होपफुली आपका इसमें सिलेक्शन हो गया हो। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी तो वीडियो को बताएं और लाइक कीजिए, कमेंट करें अपने विचार। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह से एमपीपीएससी एग्जाम्स की और अदर एग्जाम्स की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।